एवरग्रीन मसाला चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आज आप लोग के सामने बताने जा रही हूं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगा। फलों का कोई भी सीज़न हो, आप फ्रूट कस्टर्ड कभी भी अपने घर पे बना सकते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे से लेके बड़े सब इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको वीडियो की ओर ले चलती हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 लीटर दूध को हमें बॉयल करना होता है। 1 लीटर दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है गैस पे और उसी में से मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच दूध बचा लिया है। इसी से हम कस्टर्ड पाउडर को घोलेंगे। तो जब तक हमारा दूध बॉयल होता है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर को घोल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने 4 चम्मच लगभग कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें ये थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए उसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। ध्यान रखिए कि फेंटने के टाइम पे हमें इसमें लम्स नहीं छोड़ने देना चाहिए, लम्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसी तरह से आप अच्छे से इसे फेंट लीजिए। तो बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है और दूध भी हमारा इधर देखिए बॉयल हो चुका है। तो दूध को हमें तब तक ही पकाना है जब तक कि क्वांटिटी लगभग आधी ना हो जाए। तो तब तक हमें बिल्कुल इस तरह से चलाते हुए साइड से इस तरह से मलाई जो है बीच में डालते हुए इसको अच्छे से पकाना है हाफ क्वांटिटी होने तक। कलछी की सहायता से साइड में जो भी मलाई जम जाता है उसको अच्छे से काटते जाए और फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी बहुत ही कम रह गई है। तो इसी टाइम पे हम डालेंगे लगभग आधा कप चीनी। चीनी की जगह आप शुगर फ्री का भी यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट वगैरह को चीनी खाना मना होता है, तो आप शुगर फ्री यूज़ कर करके आप फ्रूट कस्टर्ड भी खा सकते हैं। तो इस तरह से हमें और चलाना है लगभग 3 से 4 मिनट तक और साइड से इस तरह से कलछी से जो इसका मलाई जमते जाता है उसे कट बीच में डालते जाना है और बिल्कुल क्रीमी कस्टर्ड बनता है। तो इसी टाइम पे हम डालेंगे ये हमारा कस्टर्ड जो घुला हुआ है उसको इसमें हम डाल देंगे और ध्यान रखें एक हाथ से डालना है और दूसरे हाथ से चलाते ही जाना है। गैस को जब कस्टर्ड डालना होता है तो गैस को बिल्कुल लो कर देना होता है। तेज गैस पे बिल्कुल भी कस्टर्ड ना मिलाएं, नहीं तो लम्स पड़ने का डर होता है और हमें कंटिन्यू इसे चलाना होता है। तो कंटिन्यू चलाते हुए आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है और यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें कस्टर्ड के लिए। और इसे हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर आने तक। तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको हमें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तो इसके लिए एक बॉल में रख करके उसे फ्रिज में डाल देते हैं। 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, थिक हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसी टाइम पे हम डालेंगे इसमें फ्रूट। जब भी हमें सर्व करना होता है फ्रूट उस टाइम ही ऐड करें, नहीं तो क्या होता है फ्रूट का एक अपना पानी होता है जो कि वो निकलेगा तो कस्टर्ड हमारा पतला हो जाएगा। इसलिए कैकरे जैसे कस्टर्ड हमारा रेडी होता है उसे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर ले और फिर उसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में किसी भी चीज़ में ढक करके रख दीजिए। और ठंडा होने के बाद ही उसमें हम फ्रूट ऐड करेंगे। आप सीज़न के हिसाब से कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड कर रही हूँ चीकू, अनार, अंगूर। अंगूर को 20 से 2 भागों में से काट लेना है। और आम, आम को इस तरह से बहुत ही पके हुए आम लेना है। केला, एप्पल, आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है आप वो सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट हमारा कस्टर्ड बिल्कुल बन के रेडी है। तो फ्रूट्स डालने के बाद इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी ये ठंडा हो चुका है। तो ठंडा हमने कर लिया है 1 घंटे फ्रिज में रख करके, तो इसको हम सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से अच्छे से फ्रूट मिलाने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा और फ्रूट ऊपर से गार्निश करने के लिए डालना है। तो सारे फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा बचा ले और ऊपर से सारे फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा रख दीजिएगा तो देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और खाने में स्वादिष्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो देखने में भी इसको सुंदर बनाना है इसलिए थोड़े थोड़े सारे फ्रूट्स ऊपर से डालते हुए हमें इसे गार्निश कर देना है। तो ये लीजिए, हमारा आज का फ्रूट का कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है, स्वादिष्ट, यम्मी, टेस्टी। आप खाइए, फैमिली को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, सभी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आज ही अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके अपने अनुभव जरूर लिखें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आने वाले हर वीडियो के जरिए आप और मैं जुड़े रहे, और साथ में बेल का बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो का मिल सके। तो मिलती हूँ ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।